हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल नौकरी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अपडेट आ रही है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जो टेक्निकल वालों के लिए अच्छी वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली मेट्रो में। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसका लास्ट डेट कब तक है, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न आने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, पूरा फुल्ली आपको समझ में आ जाएगा नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली हुई है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट किया करा दिया गया है 14/12/2019 को, ठीक है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। इसका कुछ इम्पोर्टेंट डेट है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग 14/12/2019 से 10 बजे से आप लोग कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है, इसका लास्ट डेट 13/1/2020 तक लास्ट डेट है। इसका फ़ी पेमेंट करने का आपका डेट है 14/12/2019 से लेकर 13/1/2020 तक आप इसको फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैकेंसी के बारे में बताते हैं। देखिए पहले सेक्शन ए में देखें तो रेगुलर बेसिस पर निकले हुए एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट का निकला हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ एज के बारे में, तो इसमें आप लोग 18 से 30 ईयर्स के बीच में आप लोग का है एज तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए। इसमें क्या क्या वैकेंसी, इसमें देखिए असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट निकला हुआ है, जो आपको सैलरी की बात करते हैं सैलरी 50,000 से 1,50,000 तक आप लोग को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए तो इसमें 16 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाए तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 60% के साथ आप लोग बीबीटेक पास आउट हो इलेक्ट्रिकल से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। साथ में आप लोग का 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांग लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है असिस्टेंट मैनेजर सिविल का, इसमें टोटल वैकेंसी देखें तो इसमें 12 है। इसमें आप लोग बीबीटेक 60% से पास आउट हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। देखिए फ्रेंड, इसमें असिस्टेंट मैनेजर में सारे में 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिए कौन कौन एलिजिबल है, इसमें सारे 2-2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। इसमें वैकेंसी के बारे में, तो इसका में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है तो 60 वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। चलिए ग्रुप बी में चलते हैं। तो सेक्शन बी में आते हैं, रेगुलर बेसिस पर पोस्ट निकला हुआ नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का पोस्ट निकला हुआ है, इसको में कौन कौन एलिजिबल है देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें आप लोग का एज 18 से 30 ईयर तक है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और, ए 8/11/12/14/15 तक आप लोग 18 से 30 ईयर तक एज है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पहला पोस्ट निकला हुआ है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसका आपका सैलरी देखें तो इसको में सैलरी आपको 37,000 से लेकर 1,15,000 तक आप लोग का सैलरी रहेगा। ये टोटल वैकेंसी देखें तो इसमें टोटल 26 वैकेंसी निकली हुई है। इसको में एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाए तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग का थ्री ईयर डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। इसको में देखें तो ये मेडिकल थोड़ा सा है, थोड़ा मेडिकल निकला हुआ, मेडिकल के बारे में दिया हुआ है, मेडिकल लेगा एग्ज़ाम के बाद। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए तो आगे दूसरा पोस्ट निकला हुआ है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको में टोटल वैकेंसी देखिए तो इसको में 66 वैकेंसी निकला हुआ है, 66 वैकेंसी इसमें निकाली हुई है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें देख लेते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या माइक्रो प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, ऐसे ब्रांचेस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा वैकेंसी जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें आपका टोटल 59 वैकेंसी निकले हुए हैं, ठीक है। इसको में 3 ईयर आप लोग डिप्लोमा सिविल से की हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 5वां वैकेंसी जूनियर इंजीनियर स्टोर में निकले हुए हैं, जूनियर इंजीनियर स्टोर में टोटल वैकेंसी 5 निकले हुए हैं। इसको में 3 ईयर डिप्लोमा आप लोग कर चुके हो
तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ब्रांचेस सभी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, ये सब सारे वैकेंसी मतलब सारे ब्रांचेस सॉरी सारे ब्रांचेस आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। छठा वैकेंसी है फायर इंस्पेक्टर, तो इसमें आप लोग बीएससी टोटल 7 वैकेंसी निकल रही है, इसमें बीएससी आप लोग कर चुके हो 3 ईयर, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें कुछ दिया हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड, तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट होना चाहिए 167, चेस्ट होना चाहिए 81, वेट होना चाहिए मिनिमम 51 kg होना चाहिए, ठीक है। आठवां वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोग्रामर का वैकेंसी निकला हुआ है, इसमें टोटल 23 वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें आप लोग कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आप लोग 60% के साथ बी एस सी या बी ए या IT, BSc, मैथ, यूनिवर्सिटी मिनिमम 60% के साथ आप लोग डिप्लोमा का और 60% के साथ इन 3 ईयर डिप्लोमा आप लोग किए हुए कंप्यूटर साइंस से तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीगल असिस्टेंट की बात करें तो लीगल असिस्टेंट LLB होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो आप लोग लीगल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट की बात करें तो आप लोग 3 ईयर 4 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब BTech बीच में अप्लाई कर सकते हो कोई ब्रांच से हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और 3 ईयर जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हो कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट में। तो इसमें वैकेंसी टोटल है, इसमें टोटल वैकेंसी देखा जाए तो इसमें टोटल वैकेंसी 929 पोस्ट निकले हुए हैं। डिप्लोमा वालों के लिए बहुत बड़ा है वैकेंसी निकल, 929 पोस्ट निकले हुए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा है सेक्शन सी में निकली हुई वैकेंसी एग्जीक्यूटिव पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोग को इसमें रखा जाएगा, अगर आप लोग का काम अच्छा रहेगा तो आप इस लोग को रखेंगे, और नहीं तो आप लोग का 2 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें वैकेंसी देखें तो इसमें टोटल 106 वैकेंसी निकाली हुई है। दूसरा देखो सेक्शन डी में देखो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए निकले, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो इसमें भी वही बात है 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट पर बेसिस पे रखा जाएगा, फिर उसके बाद अगर आपका काम अच्छा रहा तो रखेंगे और फिर नहीं तो निकाल दिए। इसमें टोटल वैकेंसी देखा जाए तो इसमें 398 वैकेंसी निकली हुई है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वालिफिकेशन तो आप लोग को बता दिए, साथ साथ में चलिए आओ आगे बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं, ठीक है, जॉब प्रोफाइल, इसको क्या क्या आपको काम रहेंगे, तो क्या क्या आप लोग का काम रहेगा जॉब प्रोफाइल में बताए, कौन कौन से आप लोग का काम मिलेगा, जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहेंगे, वो सब सारे तो बता दिए साथ ही में। चल आगे बढ़ते हैं, इसमें एक बात है, इसमें बॉन्ड भर दिया जाएगा, श्योरिटी बॉन्ड आपको भरना होगा, ठीक है। इसमें ट्रेनिंग, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अंडरगो यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग ड्यूरिंग पोस्टिंग, सर इसमें आप लोग का ट्रेनिंग लिया जाएगा, जॉब के पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको जॉब पर रखा जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसको मैं UREWS OBC के बात करती, इसमें 500 रुपया है, और SSC और SST PWD के बात करें तो 250 रुपया इनको फॉर्म अप्लाई करने का फ़ी मांग लिया गया है। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई कैसे करना, तो इसमें आप लोग का अप्लाई करना है, इसको हाउ टू अप्लाई, तो इसको मैं आप लोग का सबसे पहले क्या करना है कि आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां जाके सबसे पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उसके बाद आप लोग का लॉगिन करना है, लॉगिन करला के बाद आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस है, इसको CBT 1 CBT 2 होने वाला है, ठीक है।
असिस्टेंट मैनेजर इसम जो बीबीटेक पर निकले हुए हैं वो उसका दो एग्ज़ाम होने वाला है, CBT 1 CBT 2, ठीक है। और डिप्लोमा जो पोस्ट है उन लोग के लिए CBT 1, और दूसरा जो है वो निकलना है वो CBT 2 नहीं होगा। CBT 1 में देखिए तो इसमें इसमें क्या रहेगा, CBT 1 CBT 1 ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या पूछने जाएंगे, उसमें पूछे जाएंगे आपको उसको आपको पूछे जाएंगे देखिए CBT 1, तो CBT 1 में आप लोग का पूछे जाएंगे क्या क्या पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है, ये CBT 1। और फिर आपको ब्रांचेस से पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे जाए तो इसको में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। इसको 1/3 आपको उतनी नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद CBT 2 होने वाला है, जो इंग्लिश का पेपर होने वाला, कन्वेंशनल पेपर होने वाला है, जो जो इंग्लिश का होगा उसके लिए आप लोग का होने वाला है CBT 2 पेपर होने होगी, ठीक है, वो आपका निकली हुई है। एक बात बता दूं, जो ITI वालों हैं, जो ITI वालों के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होने वाले हैं बस, उसके बाद उन लोग का स्किल टेस्ट होगा बस। और CBT दूसरा है डिप्लोमा वालों के लिए, इंग्लिश पेपर होने, कन्वेंशनल इंग्लिश पेपर होने वाले हैं, जो